दो जी ये जनाब सफ़र स्टार्ट हो गया है, सामने शरारबाइन है, शरारबाइन से होके हम जाएंगे वो माता आता है छतरी वाला माता उसको बोलते हैं, उस इशारे का नाम छतरी वाला माता, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आगे जाएंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। स्क्रीन सामने सूरज है इसलिए शायद वीडियो सही नज़र नहीं आ रही होगी। ये सामने आएगा छतरी वाला माता, इस इशारे को तकरीबन यही बोलते हैं छतरी वाला माता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इशारा आएगा बलदिया, माता भी आपको दिखाता हूँ जिसको छतरी वाला माता कहते हैं। ये माता छतरी वाला, काफ़ी फेमस मार्केट थी, अब वो चेंज हो के नाम उसका ज़ैद बलद आ गया, ठीक है। और ये बलद है इधर सब, मतलब जो भी आपने मोबाइल लेने हैं कपड़े शपड़े जो भी। और फिर इधर इसकी बैक साइड पे गोल्ड मार्केट आएगी ये इशारे के दूसरी साइड पे, तो साथ में जितनी भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए वो सारी शॉप्स भी यहाँ पर होती हैं। इस इशारे को गोल्ड मार्केट भी कह देते हैं और ये सारी गोल्ड मार्केट, ये सारी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। साइड पे भी दोनों साइडों पे है, ये इशारा बल्दी आएगा। हम जाएंगे समुंदर वाले रोड से तो इजी होता है क्योंकि वहाँ पे रश नहीं होता और इशारे भी कम होते हैं और साथ में समुंदर का व्यू भी आता है। उसके बाद बाकी जाके आपको दिखाएंगे अलबे और हरफी के डिस्काउंट लगी हुई है। और यहाँ पे पहले पिज़्ज़ा हॉट होती थी जो अब बंद हो चुकी है तकरीबन यम्बोपुरे में ही, इसकी दो ब्रांचें होती थी पिज़्ज़ा हॉट की जो दोनों बंद हो चुकी हैं। ये सी पोर्ट इस साइड पे सारा, और ये इसका एक मुजस्मा है कहने आप इसका, जद्दा मदीना मक्का तरीक है मेन जो इसकी यम्बो से निकलती है वो वाला रोड है इसका, और ये समुंदर वाला रोड है इस साइड पे। आगे वाले इशारे से जो इशारा जिसको दरियात कहते हैं, जो दरियात पुलिस होती है पुलिस का इशारा है, वहाँ पुलिस स्टेशन है ना, इशारा दरियात उसका नाम है। तो ये जो इस साइड पर रोड जा रही है ऊपर ये जा रहा है सारा समुंदर वाली साइड का। और ये कैमरे लगे हुए हैं भाई, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं यहाँ की, अब हर जगह में आपको ये मिलेंगे, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते यार भाई, इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ वहाँ आपको ये मिलेंगे यार। ये चेक करें जनाब, ये इशारा दरियात है, ठीक है। यहाँ से हम निकलेंगे राइट साइड जो समुंदर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे फास्ट फूड की शॉप्स भी हैं, कोटू वगैरह जैसे बहुत फेमस जो होते हैं सारे यहाँ के। ये है जी समुंदर वाला रोड, ये जनाब समुंदर वाला रोड पे काफ़ी सारी मोटर मार्केट है, यहाँ पे सारी मोटर की तकरीबन सारी हैं यहाँ पे यार, किया का शोरूम भी है, बहुत सारे हैं मतलब तकरीबन, टोयोटा का नहीं है बस, वहाँ टोयोटा का अलग ही है, बाकी जो सारी कंपनी है उनके सारी है। इस साइड में पूरा समुंदर ही आएगा, समुंदर यहाँ का कोई इतना स्पेशल नहीं होता, सोया
वो समुंदर है बेकार किस्म का, बस पानी खड़ा हुआ है। कराची का समुंदर जैसे कह लें आप वैसा नहीं है, बिल्कुल आरामदेह समुंदर है। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी सेटिंग होती है कि ये अपना पर्सनल घर नहीं बनाते। आपको इधर घर नजर आ रहे होंगे, ये बिल्डिंग होती है उसके अंदर दो तीन तीन पोर्शन होते हैं, मोस्टली तीन ही होते हैं, उसके अंदर फिर अपार्टमेंट होते हैं जो एक में तो खुद रह लेते हैं बाकी रेंट पे चढ़ा देते हैं। वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको मैरिज हॉल है, वो ये मैरिज हॉल है। ये बिल्डिंग काफ़ी देर से ऐसी बनी हुई है। तो सबसे बेस्ट बिजनेस आ रहा है तो वो जा रहा है भाई खाने का, कि यहाँ पे खाने को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है, पहनने ओढ़ने को कोई तरजीह नहीं है, खाना पीना घूमना बस। फास्ट फूड की शॉप सबसे ज़्यादा इन होती है, सैंडविच वगैरह जो भी इसमें आप ऐड कर लो। ये सारा सुंदर का रोड है, ये सामने सुंदर है। होती हैं जो आपको घुमाती हैं समुंदर में, उनकी एक लिमिट होती है बस उसी के अंदर रहती है, उसके आगे ज़्यादा नहीं जा सकती, वो भी आपको वहाँ चेक करवाते हैं। ये भाई यहाँ पे सारी बोट खड़ी हुई है, पता करते हैं कि ये कितना टाइम मिलता है आपको कितने पैसों में, ठीक है चेक करते हैं इसका क्या सीन है। ये पूरे समुंदर में नहीं घूम सकते, इनकी एक लिमिट है, बस यहीं तक जाते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। ये इसको लेके आप ये मछलियाँ पकड़ने के लिए भी मुझे लगता है ये ज़्यादा मछलियों के लिए यूज़ होती हैं। तो जनाब वो कह रहा है कि आधे घंटे का 200 रियाल है और एक घंटे का अगर आपने घूमना है तो 300 रियाल है, ठीक है एक घंटे के लिए, और आप उसके अंदर मछली पकड़ सकते हैं, वो आगे जा कर ना आप वहाँ आगे जा कर मछलियाँ पकड़ सकते हैं आप। और ये कोई प्राइवेट नहीं है किसी का, ये गवर्नमेंट का है बाबा जी, ऐसे ही कोई बंदा आगे भी नहीं जा सकता। वो कह रहा है यहीं से अगर आप बोर्ड लेके जा सकते हो आगे, वरना आप आगे तक ममनू है, आपका जाना ही नहीं है। ये जनाब मिशन स्टार्ट हो गया, यहाँ इसका पार्क है और साथ में ही समुंदर का किनारा है, बीच टाइप का मज़ा है वहाँ बैठने को, लेकिन वो आपको फिर किसी दिन दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं हम सीधा अलबेग पे, ताकि जहाँ जाना है वहाँ पे अगर अंधेरा हो गया तो मज़ा नहीं आना, उसका लाइट में ज़्यादा मज़ा आता है। चेक करें रोयल कमीशन बड़ा ज़बरदस्त है यार, फ्री में पूरी जिम यहाँ बनाई हुई है भाई, आओ वर्जिश करो एक्सरसाइज करो, प्ले ग्राउंड फुटबॉल का।
की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे जितने भी इशारे हैं ना तकरीबन सारे ऑटोमेटिक हैं, मतलब सेंसर वाले हैं, ऑटोमेटिक या सेंसर उनके अंदर होते हैं। अगर फर्ज करें आप एक इशारा बंद है और दूसरे इशारे पे कोई ट्रैफिक नहीं है ना, तो जैसे ही आप गाड़ी इशारे पे रोकोगे तो इशारा खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं गाड़ी नहीं भी है तो मेन इशारा हमेशा खुला रहेगा। ये नहीं है कि गाड़ी नहीं है तो वो अपना टाइम पे बंद हो जाएगा दूसरा खुल जाएगा, टाइम कोई नहीं। ये ऑटोमेटिक है और ये कैमरे ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्लश वाले कैमरे नहीं होते, सिर्फ ये सिक्योरिटी कैमरे हैं। इन्हीं में से पकड़ के वो आपको 3,000 का फाइन डालते हैं अगर आप इशारा क्रॉस करते हो रेड में, ठीक है। ये सेंसर वाले हैं, टाइम लिमिट इनकी नहीं होती इतनी ज़्यादा, थोड़ी देर बाद अगर वहाँ पे गाड़ी नहीं होगी तो ये साइड का पीछे वाला इशारा खुल जाएगा, ठीक है। नहीं पहले तो जाते हैं ना उधर ही यार पार्क में, वो पार्क दिखाते हैं झील वाला जगह। ये हॉस्पिटल है, ये इसका काफी बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ ताजेज भी है और साथ में मैकडॉनल्ड भी है। खजूर मंगना पता कट्ठा जाए वह नहीं लग जाए, वो खजूर नहीं हैगी पता खजूर यहाँ का मता नफ्त जो है ना, अगर आप किसी जगह रुक जाएं और आपको वाशरूम वगैरह भी यूज़ करना हो तो जहाँ भी मता नफ्त है तो आप बेफिक्र होकर रुक जाएं, सबसे VIP किस्म का मता नफ्त है यहाँ पे। मता द्रीज भी अच्छा है लेकिन नफ्त ज़्यादा क्लीन और ज़बरदस्त किस्म का था। चेक करें भाई फूल कैसे लगे हुए हैं, फुलानी में अब चेक करें यार कैसे फूल लगे हुए हैं गेंदा के। चलिए इधर का भी नज़ारा चेक करें, सूरज बिल्कुल डूबने पे जा रहा है। ये साई कौन सा एरिया, ये वाला कैंपों वाली साइड है, यहाँ पे खारजी लोग ज़्यादा होते हैं। अभी ये लास्ट रोड है, इसके आगे जितने भी रोड्स आएंगे ना वो सारे प्लांट आगे प्लांटों के आएंगे, मतलब ऑयल का प्लांट, गैस का प्लांट, प्लास्टिक का प्लांट, जो भी सारे प्लांट इधर ही होते हैं। फिर वो सामने चेक करें सारे प्लांट इधर ही हैं, तो ना देख लिया। और इसकी लोकेशन है, अगर आपने आना है इस जगह पे तो आप उसको बोल सकते हैं कि पेपों वाला इशारा कौन सा है, ठीक है, और वो फिर आपको सीधा इसी पार्क के अंदर ले आएगा। पेपों वाला इशारा जो है ना उसके पीछे वाली साइड में ये पार्क है, झील टाइप है। ये जनाब है पार्क का व्यू बाहर से, बाकी आपको अंदर से जाके भी चेक करवाएंगे सारा कैसा है। ये वो इशारा है पैपों वाला, इसकी वजह से ये इशारा मशहूर है पैपों वाला, इसके अंदर पाइप्स लगे हैं छोटे छोटे बड़े बड़े। ये वो सामने इशारा है, ये देखिए, इसकी वजह से इसको पैपों वाला इशारा बोलते हैं। हो सकता है इसका नाम और भी हो लेकिन मोस्टली इसका नाम यही लिया जाता है। जिंदगी सही गुजारते हैं सऊदी भाई या गोरे, पाकिस्तानी बांग्लादेशी और इंडियन ही तो भाई बस समझ लो सेविंग के चक्कर में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सेविंग कर लो, घर बना लो, ये कर लो, वो कर लो, इनकी कोई सेविंग नहीं होती, कोई घर नहीं होते, रेंट पे घर होते हैं सारे, जो सैलरी आती है खाते पीते हैं यशी मारते हैं, चलो भाई बच्चे बड़े होते हैं तो खुद शादी करते हैं। मेरे को अपनी पार्किंग का बड़ा इशू रहता है यार, पार्क में चल जाओ किसी जगह भी जाओ आप, पार्किंग का बड़ा इशू रहेगा आपका। लेकिन उसने पार्किंग दो ले ली इस बंदे ने यार, दोनों, एक तो उसकी अपनी है दूसरी खराब कर दी इसने। यहाँ पे भी ऐसे लोग पाए जाते हैं लेकिन इन लोगों का हल ये होता है फिर वो आता है डायरेक्ट इनको फाइन डालता है, बस फोटो लेता है जाता है, वो नहीं ढूंढता कि कौन सा बंदा था किसकी गाड़ी है, नहीं नंबर प्लेट लेगा फाइन डाल देगा। चलो जी अब चेक करो
गोभी के फूल लगे हुए हैं, गोभी के फूल नहीं पता नहीं क्या है यार। ये देखिए चेक करें, 200 रियाल का फाइन है अगर आप यहाँ पे कोई कचरा वगैरह फेंकते हैं। ठीक है, चेक करो नजारा कैसा है। अम्मी जी अगर इतने कचरा कुचरा कोई सेट दें थे गंद पाने हैं, बाकी आपको आगे जाके देखता है मंदिर। खेलने की है सर, गिल्ली में अपन एंजॉय कर रहे हैं। दो बच्चे बैठे हैं दोनों, अम्मी उनकी गई हुई है घूमने के लिए, खाना लेने गई है उनके लिए। गलत हो गया सर, गलत हो गया। ये देखिए ना भाई, दो नमूने कहाँ बैठे हुए। छुप के बैठे हुए हैं अपनी साइड पे। ये बड़ा जबरदस्त नजारा है,
मस्जिद तो हर जगह मिलेगी आपको, यहाँ पार्क में आओ किसी जगह में भी आओ मस्जिद तो मिलेगी आपको। ये भाई चेक करें ये भी कैसा नजर आए, वो एक चीज भी है जो आपको वहां जाके दिखाएंगे सही से। इधर भी है ये जनाब रॉयल कमीशन है, जो कि रॉयल कमीशन फॉर जबेल एंड यम्बो, यम्बो और जबेल दो जगह पे है ये, ठीक है। ये उन्हीं की सारा सिटी बनाया गया है, उन्होंने बनाया ये सारा सेटअप पूरा ज़बरदस्त है यार, बहुत ग्रीन है, मतलब यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है खाने शाने रहायश हर चीज़। यहाँ पे जो लोग प्लांटों में अच्छे उदों पे काम करते हैं वही लोग ज़्यादातर यहाँ आके रहते हैं, मतलब उनको ही यहाँ रहायशें दी जाती हैं, उनके लिए मोस्टली ये बनाया गया है। और दूसरा नॉर्मली बंदा अगर कहे कि वो अपनी फैमिली को बुला के यहाँ रखना चाहे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। ये मुजस्मा था देखिए आप कैसा है जनाब, एक उन्होंने वो बनाया है पानी ऊपर से इलेक्ट्रिक है, ये बिजली के साथ चलता है वो, ये कुदरती नहीं है चश्मा, कुदरती चश्मा नहीं है। और अभी इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है यार, यहाँ बड़ा शोर भी नहीं है और ज़्यादा कोई भागम दौड़ भी नहीं है, आप आराम से आके ज़बरदस्त सा चिल मार सकते हो यहाँ पे। चेक करें ज़रा आप, सूर्य डूब चुका है इस वक्त। और कभी भी आपका यम्बो में आना हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा आप, आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छी फीलिंग आएगी, ज़बरदस्त सा नज़ारा आएगा आपको। और यहाँ की ये सोजिया की खासियत है कि बिल्लियाँ आपको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी और हर जगह आपको मिलेंगी बिल्लियाँ। चेक करेंगे भी एक बैठी हुई है ये, डरती डरती नहीं है भाई, रोटी भी नहीं खाती ये, गोश्त चिकन मटन ऐसी चीज़ें खाती हैं, सस्ता खाना नहीं खाती ये वाली। यार ये शाम के टाइम में सच ऐसा मन आ रहा है, मोबाइल शाम के टाइम से फिर ठंड बड़ा ज़बरदस्त एरिया वो भी एवं कही जाते हैं, फोन का जो नवा आया था कैमरा नहीं चाहिए चीज़ें तो क्या नहीं। मगरिब का टाइम है, नमाज हो चुकी है, रिजल्ट चेक करो यार। लो जनाब पार्क का टूर ख़त्म हो गया, अब जा रहे हैं अलबेग पे, कुछ पेट पूजा आ जाए क्योंकि आज मदीने गए थे, मदीने से वापस आए हैं, कुछ नहीं खाया अभी तक, भूख ना चली है पेट के अंदर, अब जाएंगे अलबेग पे सीधा। ठीक है, ये कैंप एरिया है सारा भाई, जो थोड़ा लो स्टैंडर्ड का होगा ना यहाँ पे तकरीबन वही सारा एरिया ही होता है, ये वन पोर्शन घर होता है, ये फ्लाइट टाइप होता है, इसकी चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं, इसके चार्जेस भी कम है। और ये पूरा ज़बरदस्त एरिया ये भी है, पुराना है लेकिन थोड़ा ओल्ड है, सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक रहने का मज़ा आता है, जैसे डिफेंस होती है वैसे ही। ये जनाब अलबेग का प्रोग्राम हो गया था कैंसिल, अब आ गया ताजत का, ताजत भी वही टाइप चीज़ है, लेकिन इसका अगर यहाँ की ये फ़ायदा होता है कि आपको रोटी जो है ना वो गर्म मिलती है, जैसे माँ आपकी तवे पे रोटी पका रही है और आपको कह रही है खाओ, रोटी आ रही है उधर से, ये सीन होता है इसका पूरा यार, गर्मा गर्म रोटी आती है आपके पास, और मज़ा आता है खाने का यार, आप इतनी खा जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आती। ताज़ा खाते हैं आज, ठीक है
ताजा भी अलबेग टाइप है, लेकिन यहाँ ये फायदा होता है कि रोटी गर्मा गर्म मिलती है, अलबेग में तो रोटी नहीं मिलती आपको यार। बाकी आपको अंदर जाके दिखाते हैं इसका सीन क्या है। ये इंटरनल सब अभी फैमिली सेक्शन की होगी। ये मेन्यू है भाई इसका, चेक कर ये बाबा जी इसका। ये फायदा रोटी गर्म, बिल्कुल गर्म रोटी आप पकड़ नहीं सकते इसको, रोस्ट ठीक है। कप्सा भी चेक करवाएं सर, ये कप्सा भी है, कप्सा चेक करें। जिनके लिए लिया है वो कभी नहीं खा पाएंगे इसको।